एक पति अपनी पत्नी की हत्या की फिराक में है। तीन कोशिशें नाकामयाब रही हैं और अब चौथी बार एक हमले की साजिश रची गई है। अब गीता को जान से मारने की चौथी कोशिश होने जा रही थी। जब पंकज सिन्हा और उसकी फैमिली नालंदा से घूमकर पटना लौट रहे होंगे, उस वक्त कुछ अज्ञात लोग उन पर हमला करेंगे और उस हमले में गीता सिन्हा की मौत हो जाएगी, लेकिन बाकियों को कुछ नहीं होगा। कत्ल के इरादे से पंकज गीता को नालंदा ले गया। साथ थे उनका बेटा अनमोल, गीता का भाई जतिन और जतिन की पत्नी रमा। साजिश का पहला पड़ाव पार हो गया। हम सुबह जल्दी घर से निकलेंगे बाय रोड, हमारी कार से। नालंदा से लौटते हुए हम लोग पहले ये NH-31 लेंगे और उसके बाद NH-30, और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं है बाईपास आता है। जानते हैं बाईपास को, यहाँ हमारा बचपन निकला है, लेकिन ये बाईपास तो शाम के बाद बिल्कुल सुनसान हो जाता है। जानते हैं, इसलिए हम नालंदा से थोड़ा लेट निकलेंगे कि यहाँ पहुँचते हुए अंधेरा हो जाए। जी ब्रेक चाहिए हो तो बोल दो, हम चला लेंगे। अरे नहीं नहीं जतिन बाबू, हम ठीक हैं। ऐसे पहुँचते पहुँचते 11 तो बज ही जाएंगे। अरे तो दिक्कत क्या है, जब पहुँचना पहुँच जाएंगे। वैसे आपको कोई जल्दी है क्या? अरे नहीं, काहे की जल्दी है। अरे लेकिन हमें तो जल्दी है ना जी, अनमोल का स्पोर्ट्स डे है कल और 6:30 बजे तक स्पोर्ट्स ग्राउंड पे भी पहुँचना है, वो तो नहीं मिस हो सकता है ना। अरे चिंता मत करो, कुछ और मिस नहीं होगा, और 5 बार बता चुकी हो, याद है हमें। सब लोग अपनी अपनी जगह पे टाइम पे पहुँच जाएंगे। वो और दो लड़कों के बारे में तुम बता रहे थे? दोनों एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं, भरोसेमंद। इस बार कोई चुक नहीं है, बस आपको ये करना है कि नालंदा से निकलने से पहले मुझे एक बार फ़ोन कर दीजिए, उसके बाद किसी न किसी बहाने से लाके गाड़ी वहाँ रोक दीजिए, ओके बाद का सब हम संभालेंगे। वो तुम हम पे छोड़ दो। सच कहते हैं गीता दीदी, बड़ा सुकून मिलता है जब ऐसे आपको और जीजा जी को एक साथ देखते हैं। 4 साल पहले तो कितना डर गए थे हम लोग। तुम लोग तो सिर्फ डर गए थे, परेशान थे। हमें तो लगा था कि जैसे अब बस मर ही जाएंगे। पहुंच गए तुम लोग? अरे कब का साहब जी, 2 घंटा से बैठ गए यहाँ, पुराना फिल्म का गाना सुन रहे हैं। हमें अभी वहाँ पहुँचने में कम से कम 45 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन जल्दी मत निकलिएगा, सूरज डूब जाने दीजिए, क्योंकि जितना अंधेरा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम निकलने से पहले तुम्हें फोन कर देंगे। ठीक है। कल हमें कोई देखने आ रहे हैं। नहीं आएगा, कल का वो प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है। निशा वहाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहे हैं? बिल्कुल, हम करीब 2 घंटे में यहाँ से पटना के लिए निकलेंगे। अंकज हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बस एक दिन की बात और है निशा, कल के बाद सब कुछ इतना शांत हो जाएगा, इतना सुकून होगा तुम्हारी और हमारी जिंदगी में, तुम और हम सचमुच एक हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे अपनी मनमर्जी करने के लिए। कज आई लव यू। आई लव यू टू निशा। ये गलत बात है जीजा जी, एक तो खुद ही पिकनिक का प्लान बनाते हैं, उसके बाद फिर आधे से ज्यादा समय फोन पे लगे रहते हैं। अरे नहीं नहीं साले साहब, दरअसल हमारी कंपनी का एक अमरीकी क्लाइंट है, तो जब भी उसे कोई काम होता है तो हमारा जूनियर साहब हमें ही फोन लगाता है, तो इसलिए उन्हें डायरेक्ट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, चलिए अब चलने का समय हो गया है, अभी निकलेंगे तो रात को 10 बजे तक पहुंचेंगे। अरे इतना भी क्या जल्दी है साले साहब, थोड़ी देर और एंजॉय करते हैं ना, आराम से चलेंगे। पक्का है समय? अरे बहुत समय है, आइए चलिए। चलो रेडी।
स्टेडी गो। हरा दे रहा, हरा दे रहा। अनमोल, अनमोल ये। अनमोल जीत गया। आप सब हार गए, अनमोल जीत गया। ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, क्या बात है जीजा जी, या तो फोन पे लगे रहते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, माजरा क्या है? अरे साले साहब ऐसा कुछ नहीं है, बस देख रहे थे बजा कितना है। अब टाइम का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। हाँ जी, हमें भी लगता है ना कि नाश्ता करते ना हम लोगों को चल देना चाहिए, 6 बज चुके हैं ऑलरेडी। खाइए सब लोग आराम से, उसके बाद निकलते हैं 15-20 मिनट में। अरे पंकज कहाँ चले गए? गए तो टॉयलेट की तरफ थे, हो सकता है ऑफिस वालों से बात कर रहे हो फोन पर। हम 5 मिनट में निकल रहे हैं शाम। हम लोग यहाँ पूरी तरह तैयार हैं, आप बाईपास वाले रोड पे आ जाओ बस, ठीक है? हम भाई सारी तैयारी हो चुकी है। एक काम करते हैं, पीछे चल के छिप जाते हैं, पार्टी निकलने वाली है। क्या जी, पिकनिक का प्लान आपका था और आप कि पूरे दिन फोन पे लगे रहे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे सब लोगों ने एंजॉय तो किया ना, है ना बेटा? पापा हम वापस आएंगे, बहुत मजा आया। आएंगे ना मामा? जी हम अक्सर सोचते थे कैसे आपसे ये बात छेड़ें, लेकिन आज सही मौका मिला है तो आपसे कह रहे हैं। क्या चाहते? यही कि आप और गीता दीदी एक बुरे दौर से गुजरे, पर कैसे आप एक होकर आगे बढ़े, बड़ा अच्छा लगता है आप दोनों का प्यार और हमारी बहन का ध्यान रखने के लिए। थैंक यू। अरे नहीं नहीं जतिन, दरअसल थैंक यू तो हमको गीता को बोलना चाहिए कि उसने हमारी सभी गलतियों को भुलाकर हमको माफ़ किया और वापस अपना लिया। आज हम दिन में गीता दीदी से भी यही बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि उन दिनों उनको लगता था कहीं दुख के मारे वो मरी ना जाए। जतिन तुमसे सच कहें तो लगता हमको भी ऐसा ही था, रोज रोज थोड़ा थोड़ा घुट घुट कर मरने से कहीं अच्छा है कि एक ही बार आर्या पार हो जाए। एक हैप्पी फैमिली का ढोंग रचा जाता है ताकि इस ढोंग की चादर को उस भयंकर जुर्म पर ओढ़ा जा सके जो अब अगले मोड़ पर होने जा रहा था। अरे अरे जिया जी, कौन सा टर्न ले लिया आपने? मोड़ लो, गलत टर्न है ये। अरे नहीं नहीं जतिन, घबराओ मत, ये एक नए बाईपास को निकलता है, हम कम से कम 1 घंटा पर जल्दी पहुंचेंगे। नया बाईपास? हाँ। ये कब बना, आप श्योर हो ना? अरे 100%, हमारा एक दोस्त पटना नालंदा हर दूसरे दिन आता जाता रहता है, उसी ने बताया। अच्छा चलिए। पार्टी आ गई है, तुम लोग तैयार हो ना? चूक नहीं होनी चाहिए, चल। अरे जीजा जी, ये रास्ता तो बंद है। अरे ये क्या हो गया यार, हमारे दोस्त ने तो कहा था कि ये रास्ता सीधा पटना को कनेक्ट करता है। हुई होगी कोई प्रॉब्लम आ गया, देखिए ना साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है रास्ता बंद है, ऊपर से पत्थर लगा के ब्लॉक कर रखे। क्या हुआ जी, कहाँ पहुंचे? कुछ नहीं दीदी, शायद खराब रास्ते पर आ गए, वो बाईपास लिया अभी ये रोड ब्लॉक है। कोई नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, वापस NH 31 पकड़ लेंगे, बस 10 ही मिनट लेट हुए हैं।
अरे ओ भाई, आगे रास्ता बंद है, पीछे लो। पंकज, ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या 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 चाहिए भाई? कौन है तुम लोग? बाहर निकल, बाहर निकल। पंकज भैया देखो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, सारे पैसे ले लो, हैं? हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, हमें छोड़ दो। हाँ, ये सब कुछ ले लो, जो चाहिए सब ले लो। मैडम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा का? निकाल रहे, निकालो सबको। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, आप सो जाओ, बस बाहर मत निकलना। भैया बताएंगे भी कि क्या चाहते हैं आप लोग? हम बात कर रहे हैं। देखो भैया, तुम्हें पैसे चाहिए ना, सारे पैसे ले लो, लेडीज के जेवर भी ले लो तुम, लेकिन हमें छोड़ दो। देखो हमारे साथ छोटा बच्चा भी है। देखिए भाई साहब, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है, हम लोग तो रास्ता भटक के आ गए थे। हाँ। आप शायद किसी और का इंतजार कर रहे थे। यहाँ आपका यमराज इंतजार कर रहे थे साहब जी, यम को भोग नहीं चढ़ाएंगे। सारे पैसे दे तो रहा हूँ भाई। पैसा कहाँ भागा जा रहा है रे, वो तो हम लेवे करेंगे, लेकिन वो कहा है कि थोड़ा मस्ती का मूड है हमारा। रे ये दोनों लंगूरों और छोटका बंदर पे नजर रखो हैं। देखो बच्चे की खोपड़ी उड़ा देंगे, माँ कसम बोल रहे। नहीं भाई, बच्चे को नहीं भाई, बच्चे को कुछ मत कीजिएगा भैया। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, भाई साहब आपको और पैसे चाहिए, मैं एटीएम से निकाल के दे दूंगा भाई साहब उसको। अरे छोड़ दो उन्हें। ए अरे तू एक और बार हिला तो बच्चे की खोपड़ी सच में उड़ा देंगे, इस बार नहीं सोचेंगे। हां छोड़ छोड़ छोड़ो, निकालो छोड़ो 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 छोड़ो। भाई भैया हमें जाने दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें जाने दीजिए भैया। जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, हमें जाने दीजिए। चल साड़ी खोल। नहीं कहा नहीं, चल खोल। कहा आपके हाथ जोड़ते, पैर बंधे भैया। खोल। कोई बात नहीं, हम खुद ही खोल देते हैं। नहीं छोड़िए रे, हमने कहा छोड़िए रे, छोड़ो। तुम्हारी जैसी जंगली बिल्लियों को ठीक करना हमको बहुत अच्छा से आता है, देखना चाहेगी? हैं? देखा है तो के? देखेगी? चलो यही मौका है, चल। गीता दीदी, गीता दीदी आंखें खोलो, गीता दीदी आंखें खोलो ना, गीता दीदी आंखें खोलो। जाते हैं पंकज जी, इन लोगों ने गीता दीदी को मार दिया। नहीं, गोली के सलामे। नहीं, गीता, गीता, गीता। चलो रे, खाली बहुत अकड़ दिखा रही थी, मार दिया गोली। गाड़ी स्टार्ट करे, चल। ए, हिलना मत, हिले तो मार देंगे। बैठा रहे चुपचाप। दो गोलियां सीधे सीने पर, दोनों हार्ट में अटक गई, हार्ट के चिथड़े उड़ गए।
आगे रास्ता क्लियर है, हम 30 किलोमीटर जाके आए हैं। वो डाकू लोग झूठ मूठ का रास्ता बंद किए। किसी ने कुछ देखा या सुना? सर एक चाय का दुकान मिला है, उसके मालिक से बात हुआ, कह रहा था ट्रैफिक कम रहता है इस रास्ते पर, आगे कहीं कुछ बंद नहीं है। वो कुछ देखा सुना भी नहीं। गाड़ी याद है आपको? नहीं सर, काफ़ी अंधेरा था और हम सब इतना डर गए थे सर। उनमें से किसी का चेहरा याद आपको? नहीं सर, सबका पूरा चेहरा ढका हुआ था। वो गाड़ी पहले से आपका पीछा करी थी क्या? नहीं लगता नहीं है सर, हम लोग पहले यहाँ आए, देखा रास्ता ब्लॉक था, रिवर्स लेने लगे तो पीछे से आके घुसा दिए। सर लगता है घात लगा कर बैठे थे कि कब कोई पार्टी आए इस तरफ, ये लोग आए और फंस गए। पंकज सिन्हा और उसकी फैमिली शॉर्टकट लेने के लिए रास्ता लिया होगा, वो फंस गए। इस नए हाईवे पर यह पहली घटना होगी सर, इसलिए रास्ता चुना होगा। राजन अपने खबरियों से कहो कि इस इलाके में जितने भी गैंग हैं सबकी रिपोर्ट भेजे। चार लोग थे ना? जी सर, गीता सिन्हा के भाई जतिन ने यही कहा था कि चार लोग थे। और सर पंकज सिन्हा से अभी तक बात नहीं हो पाई, और ना ही जतिन की पत्नी रमा से और ना ही बच्चे से। मीडिया में खबर फैलने से पहले हमें इस केस को सॉल्व करना होगा, इस केस को टॉप प्रायोरिटी में रखो सर। पंकज और रमा के स्टेटमेंट्स जतिन से पूरी तरह मैच कर गए। ऐसा लग रहा था कि ये वाकई में एक डाकुओं का अटैक था जिसमें गीता की हत्या हो गई थी। इस भयंकर नौटंकी का पहला अंक कामयाब हो गया था। दूसरा अंक भी काफी सही तरीके से खेला गया। दोनों किरदार पंकज और निशा अपनी अपनी भूमिकाएं बड़ी कुशलता से निभा गए, पर जिनके लिए यह नाटक नहीं था उनकी जिंदगी पर शोक और दर्द का पर्दा गिर गया। नालंदा और पटना के एक एक खबरी को एक्टिवेट किया गया, सैकड़ों हिस्ट्री शीटर से भी पूछताछ हुई, पर पुलिस के हाथ एक भी ऐसा सुराग नहीं आ रहा था जो इस केस को कोई दिशा दे सके। गीता के माता पिता और भाई जतिन इस बात को लेकर बौखलाए हुए थे कि यह तकदीर का कैसा खेल था, एक पिकनिक एक खुशनुमा फैमिली में इतना दर्द और गम कैसे और क्यों ले आया। नौटंकी के दूसरे अंक के दूसरे पड़ाव में भी पंकज अपना किरदार बखूबी निभा रहा था, वो अपने बच्चे का दहशत भरा दर्द बखूबी संभाल रहा था, वो दर्द जो उसी ने बच्चे को दिया था। इस नौटंकी की कठपुतलियों को भी उनकी मजदूरी अदा की गई। इस ड्रामे के लीड कैरेक्टर्स के सामने अब रास्ता साफ हो चुका था, बस थोड़े दिन और उनको अपनी दर्द भरी एक्टिंग का प्रदर्शन देना था, उसके बाद उनके हिसाब से हैप्पी एंडिंग होने जा रही थी। इस केस में हत्या की प्लानिंग और मोडस ऑपरेंडी टॉप की रही, और इसी वजह से पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं लग रहा था। तो क्या ये एक परफेक्ट मर्डर का रेयरेस्ट ऑफ रेयर उदाहरण बनने जा रहा था, या फिर इस खूंखार नाटक का एक और अंक अभी बाकी था? सर हम जतिन लाल बोल रहे हैं, गीता सिन्हा के भाई। 2 हफ्ता हो गया सर, कुछ पता नहीं चला, कोई पकड़ा नहीं गया। जतिन हम जी जान से लगे हुए हैं, जैसे ही कोई ब्रेक थ्रू मिलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। सर राजन बाईपास रोड पर जो मर्डर हुआ था उसकी क्या रिपोर्ट है? सर सच कहे तो अभी तक ब्लैंक है। हिस्ट्री शीटर्स ने एक भी ऐसी गैंग का नाम नहीं बताया जो उस वक्त वहां पर हुए होंगे। बहुत से डाकू देखे हमने इतने सालों में, ये डाकुओं की प्रथा हमसे भी पुरानी है, मगर ये डाकू। सर आपको लगता है कि वो डाकू नहीं थे? राजन डाकू क्या करते हैं? डाकू बंदूक की नोक पर लोगों को लूटते हैं, पैसा जेवर कीमती चीजें जो भी उनके पास हो उसको लूट लेते हैं। लेकिन ये डाकू, इन डाकुओं ने लूटने से पहले 2 औरतों को रेप करने की सोची, और जब उसमें से एक मारी गई तो एक भी पैसा लूटे बिना, एक भी दमड़ी लिए बिना वहां से फरार हो। सर हो सकता है वो गीता सिन्हा की मौत के बाद डर गए हो? यही तो सोचने वाली बात है राजन, वो डाकू थे, उन लोगों के हाथों में बंदूकें थी, गाड़ी रोकने की हिम्मत थी, 2 औरतों को रेप करने के इरादे से जंगल में ले गए और उसमें से एक को गोली मार दी। ये सब करते हुए डर नहीं लगा उन्हें? सर हो सकता है गोली फायर होने के बाद डर गए हो, प्लान नहीं था, हो गया और उसके बाद भाग खड़े हुए। हो सकता है कोई नया गैंग हो। इतना इंतजार करवाएंगे विकास को, जवाब काहे नहीं दे रहे उसे? क्योंकि हमारे पास जवाब है ही नहीं मम्मी, पूरा कंफ्यूजन भरा पड़ा है दिमाग में। आप एक काम कीजिए, उसे कह दीजिए कि हमारा इंतजार ना करें। अरे 28 की हो गई हो, दुनिया देख चुकी हो, अब काहे का कंफ्यूजन? मम्मी एक तो ना आप हर बारी हमारी उम्र को बीच में ना लाया करो, और दूसरी बात ये शादी का फैसला है, कोई स्कूटर वूटर खरीदने की बात नहीं है। बाकी तो हम देख चुके हैं कि गलत जोड़ियों का क्या नतीजा होता है।
अनमोल को रमा भाभी के पास छोड़कर आए? हाँ, एक अरसे से जिद कर रहा था तो छोड़ा उसे। और फिर निशा थोड़ा नेचुरल भी लगेगा ना, जैसे धीरे धीरे हम नॉर्मल होते जा रहे हैं। क्या हुआ निशा, कोई टेंशन है क्या? लड़के एक के बाद एक करके रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो अच्छा ही है ना? कुछ अच्छा नहीं है पंकज। निशा ऐसा क्यों कर रही हो? हमें एक और बड़ा टेंशन खाता रहता है रात भर। वो क्या? एक अजीब सा डर लगा रहता है, आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी ना कभी तो आप बात करेंगे ना पापा से, हमारा हाथ मांगेंगे उनसे, या फिर हम ही बता देंगे कि पंकज जी से शादी करनी है हमें। तो इसमें डरने की कौन सी बात है? नहीं है, आपको नहीं लगता जतिन भैया को शक हो जाएगा कि इतने टाइम से इन दोनों का अफेयर चल ही रहा था? फिर 2 और 2 मिलाएंगे, कहेंगे कि गीता दीदी को डाकुओं ने नहीं बल्कि इन दोनों ने मारा है, और फिर हम दोनों फांसी लटकेंगे। नहीं निशा, नहीं, कोई फांसी नहीं लटकेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुना? और हमें तो लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, तकदीर से एकदम सही हुआ है। हाँ, पहले 3 अटेम्प्ट में अगर गीता मारी जाती तब जरूर ये 2 और 2 4 हो जाता कि कोई कैसे ही किसी घरेलू औरत को मार सकता है, लेकिन ये जो 4th अटेम्प्ट हुआ है एकदम स्मूथ गया है। डाकुओं का अटैक, मर्दों पर और बच्चे पर बंदूकें तनी हुई, औरतों को घसीट कर जंगल में ले गए, रेप का अटैम्प्ट, उसके बाद गोली मार दी, एकदम फुल प्रूफ। तुम देखना निशा, ये 2-4 महीनों में तो पुलिस भी इस केस को बंद कर देगी। क्या आप कभी गीता दीदी के बारे में सोचते हैं? हाँ निशा, एक बात तो आती है दिमाग में बीच बीच में कि वो बेवकूफ औरत हमें डाइवोर्स काहे नहीं देती, कितने आराम से कट जाती सब लोगों की जिंदगी, चाहती तो खुद रख लेती अनमोल को पूरा, या हम रख लेते, या फिर जॉइंट कस्टडी, और पैसों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हम उसे, लेकिन हमें छोड़ देती, आजाद कर देती अपनी कैद से। सर, हम लोग नालंदा से करीब 6:30 बजे के आसपास निकले थे और 7 बजे तक अच्छा खासा अंधेरा हो गया था, मतलब पूरी तरीके से रात हो गई थी, और 7:45 के आसपास हम लोग उस मनहूस बाईपास की तरफ मुड़े सर, और लगभग 20 मिनट चलने के बाद आप लोगों ने अचानक देखा कि वो रोड ब्लॉक है, राइट? हाँ सर, करीब 20 मिनट ही हुए होंगे। जितिन, तुम्हें कुछ अटपटा, कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ सर, शायद हल्का सा अजीब लगा था, लेकिन मैंने पंकज जीजाजी से पूछा भी कि आप श्योर हो इस रास्ते के बारे में? उन्होंने कहा उनका कोई दोस्त है जो अक्सर उस रास्ते से आता जाता है, उन्होंने कहा कि शॉर्टकट है, 1 घंटा बचेगा। एनीवे, इस पिकनिक के दौरान तुम्हें कुछ अजीब लगा था? पिकनिक के दौरान? मतलब मैं समझा नहीं आप पूछना क्या चाहते। देखो जितिन, जैसा तुम जानते हो इस केस में अभी तक कुछ ब्रेक थ्रू हमें हासिल नहीं हुआ है, और एक बात को लेकर हम बहुत परेशान हैं। कौन सी बात सर? यही कि वो लोग डाकू थे, तो उन्होंने रेप अटेम्प्ट करने से पहले या अटेम्प्ट के दौरान तुम्हें और पंकज को क्यों नहीं लूटा? उन्होंने सीधे तुम्हारी बहन गीता को गोली मारी, वहां पे तो कोई भीड़ भी इकट्ठा नहीं हुई थी, कुछ ऐसा था नहीं, लोग बचाने तो आए नहीं थे, तो फिर वो बिना पैसे लिए वहां से भाग क्यों खड़े हुए? ऐसा क्या डर था? बंदूकें थी उनके पास? सर, हमने एक बार नहीं, 1000 बार उनसे कहा था कि सारे पैसे ले लो, हमारी गाड़ी ले लो, हम ATM से और कैश निकाल के उनको देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मेरी पत्नी रमा और मेरी बहन गीता को लेकर दूर जंगल में चले गए। कुछ देर के बाद हमने गोली की आवाज़ सुनी और उन्होंने हमारी बहन को गोली मार दी सर। लेकिन तुम्हारी पत्नी को गोली नहीं मारी, तुम्हें भी नहीं मारा, बच्चे को नहीं मारा, पंकज को भी नहीं मारा, और एक भी पैसा लिए बिना वहां से भाग खड़े हो, क्यों? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया ये हमको कैसे मालूम होगा? जितिन, आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। सर, आप पूछ रहे थे कि पिकनिक के दौरान कुछ हटपटा लगा था, क्यों सर? यूं ही सर, आपको किसी के ऊपर कोई शक है क्या?
किसी पर शक करने जैसा कोई कारण है क्या? पता नहीं सर। गीता की मौत से किसे फायदा हो सकता था और किस तरह से फायदा हो सकता था? कोई तगड़ा इंश्योरेंस प्लान? अगर इस वजह से गीता की मौत हुई है तो जाहिर सी बात है पति और पत्नी के बीच क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, हर एंगल से टटोलना पड़ता है, सुरागों के लिए शक को खंगालना पड़ता है। थैंक यू सर। सर ये पटना से नालंदा एक दिन की पिकनिक का आइडिया दरअसल हमारे जीजा जी पंकज का था और सबसे ज़्यादा जोश में भी वही थे। और सर एक बात थोड़ी अजीब लगी थी कि पूरी पिकनिक के दौरान करीब 85% टाइम जीजा जी अपने मोबाइल पर बिजी थे और शायद थोड़े परेशान भी थे सर, बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। और जब मैंने उनसे कहा कि घर चलते हैं तो कहने लगे इतनी जल्दी क्या है, और काफ़ी टाइम बिताने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। जतिन एक सीधा सवाल, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जीजा पंकज सिन्हा ने जानबूझकर NH-31 छोड़कर गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ी थी? हाँ सर, गाड़ी मोड़ी तो थी लेकिन हमने उस बाईपास के बारे में उससे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उस वक्त हमको ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लगा सर। एक ख्याली सवाल, हाइपोथेटिकल, अगर हम ये मान के चलें कि तुम्हारे जीजा पंकज सिन्हा ने साजिश करके तुम्हारी बहन गीता सिन्हा का कत्ल करवाया तो इससे तुम्हारे जीजा को क्या फायदा हो सकता है? सर अगर ऐसा कुछ कराना होता तो 4 साल पहले कराते, 4 साल बाद क्यों? 4 साल पहले जितिन, ऐसा क्या हुआ था 4 साल पहले? सर 4 साल पहले पंकज को डिवोर्स चाहिए था हमारी बहन से। 4 साल पहले डिवोर्स, अभी बच्चा है 5 साल का, यानी कि जब बच्चा 1 साल का था तब पंकज को गीता से डिवोर्स चाहिए था, राइट? जी सर। कोई लड़की इन्वॉल्व थी? हमारी चचेरी बहन निशा, जो डिलीवरी के वक्त गीता दीदी की मदद के लिए उनके घर पर रह रही थी, और ये पंकज उससे शादीवादी के पागलपन में फंस गया था। जितिन ये जो निशा है इसे भी पागलपन हुआ था? जी सर, बल्कि पंकज ने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन सर वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। ये अफेयर का वायरस है जितिन, इतनी आसानी से नहीं जाता, सालों तक पीछा करता है। बेटा हम जानते हैं तुम्हारी मम्मी इस दुनिया की बेस्ट मम्मी थी, और उसके जैसी दूसरी मम्मी हम तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ सकते बेटा। हमें दूसरी मम्मी नहीं चाहिए, हमारी मम्मी बेस्ट थी। विकास के माँ बाप ने सामने से मना कर दिया। इससे अच्छा लड़का निशा को कभी नहीं मिलता, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है ये लड़की। मीना, क्या इस पंकज और निशा के बीच जो कुछ भी चल रहा था वो तब पूरी तरह से खत्म हो गया था या अब भी कुछ चल रहा है? पंकज इतना गिर सकते हैं क्या? पता नहीं अम्मा, लेकिन जब हम उस दिन के बारे में सोचते हैं तो एक एक बात जुड़ती है, एक एक बात कोई साजिश मालूम होती है। पहले से प्लान्ड? मतलब आपका अपनी पत्नी गीता, बेटा अनमोल, साला जतिन और उसकी पत्नी रमा के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान पहले से प्लान था? जी बिल्कुल, पटना से नालंदा 2 फैमिलीज अगर जाएंगी तो प्लानिंग नहीं होगी क्या? सुना है आप ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहते हैं, और अगर आप ऑफिस में ना भी हो तो आपका काम नॉन स्टॉप चलता रहता है। इंस्पेक्टर साहब, हम हमारी कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं, काम का कोई टाइमिंग नहीं होता। अच्छा, मार्केटिंग हेड साहब, कत्ल के दिन, हमारा मतलब है कि प्लैंड पिकनिक के दिन भी आप भयंकर बिजी थे, आपके ऑफिस से आपको लगातार एक के बाद एक कॉल्स आ रहे थे। देखिए उस दिन हुआ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सबके स्टेटमेंट हैं हमारे पास, और सबने एक ही बात पर जोर दिया है कि उस दिन आप पिकनिक पर होते हुए भी पिकनिक में नहीं थे। जी वो हम बिजी थे उस दिन, अपने जूनियर्स को फोन पर ही डायरेक्ट कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब,
ये गोल गोल बातें करना बंद करके हम सीधा मुद्दे पर आ जाए। आप बताएंगे इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? मतलब है आपकी पत्नी के हथियारों को धर लेना पंकज जी। तो फिर पिकनिक और हमारे ऑफिस के कॉल्स का उनसे क्या रिश्ता हो सकता है? उस दिन आपके ऑफिस से आपके कौन से नंबर पर ये सारे कॉल्स आ रहे थे पंकज जी? देखिए हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से आपका फोन नंबर है 444567898, ठीक है ना? हाँ। बहुत कन्फ्यूजन है पंकज जी। आप कह रहे हैं, आपका साला जतिन कह रहा है, जतिन की पत्नी रमा कह रही है, और शायद आपकी पत्नी गीता सिन्हा जिंदा होती तो वो भी यही कहती कि उस दिन आपको आपके ऑफिस से लगातार कॉल आ रहे थे, एक के बाद एक कॉल आ रहा था, लेकिन आपके इस नंबर पर उस दिन आपके ऑफिस से एक भी कॉल नहीं आया है मिस्टर पंकज सिन्हा, हेड ऑफ मार्केटिंग। आपके दो नंबर हैं जी। खुफिया है क्योंकि आपके साले जतिन को आपके इस दूसरे नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं। जी हाँ, वो दूसरा नंबर हम सिर्फ ऑफिस के कॉल्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। निशालाल आपके ऑफिस में काम करती है? बेगूसराय की निशालाल, हमने आपके बिना बताए आपके दूसरे नंबर का पता लगा लिया, 444123568, ठीक है ना? आपके इस नंबर से निशालाल को और निशालाल के नंबर से आपके इस नंबर पर हजारों बार कॉल हुए हैं पिछले 1.5 साल में, हर रोज कई दफा फोन कॉल्स और मैसेजेस एक्सचेंज हुए। दरअसल निशा से आपका अफेयर कभी खत्म हुआ ही नहीं था, है ना? अब सवाल यह है कि ये कबाब में हड्डी कौन है पंकज जी? क्योंकि इस अफेयर वाले नंबर से आप कुछ और लोगों से भी बात करते रहे हैं, खास करके पिकनिक वाले दिन, और कुछ खास मौकों पर भी आपकी उनसे बात हुई है। ये इश्क का डबल ट्रिपल शिफ्ट चल रहा था क्या पंकज जी? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। ये हम जानते हैं कि आप निशा के वफादार हैं, निशा के साथ दगा नहीं कर सकते, तो फिर ये नंबर किसके हैं? कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हमने भी पता लगा लिया। जैसे हमने आपके दूसरे नंबर का पता लगाया जी, कल रात को हमने इन चारों को धर लिया है पंकज जी। श्याम, शरद, मुन्ना और कालू। हाँ, हमें उन चारों की थोड़ी मरम्मत करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने वो खोला, लेकिन हमें एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब दिया उन्होंने कि उन्होंने अब तक क्या क्या किया है। श्याम ने हमें सारी बात डिटेल्स में बताई पंकज जी, कि कैसे उसके 3 बार खाली गए और चौथी बार में वो आपकी पत्नी को मार पाया, और कैसे आपने अपनी पत्नी की सुपारी के लिए 4 लाख रुपए दिए 30 मार्च को, अपनी खुद की पत्नी, अपने बेटे अनमोल की मां गीता की हत्या के लिए। बेगूसराय पुलिस आपकी माशुका को बस किसी भी क्षण हिरासत में लेने ही वाली। कि तुमने कैसे सोच लिया कि अपनी पत्नी की हत्या करके तुम अपनी प्रेमिका से शादी कर लोगे और ये घोर अपराध किसी की पकड़ में नहीं आएगा? हमारे पास रास्ता क्या था? वो हमें डाइवोर्स दे नहीं रही थी, हम भीख मांग रहे थे उससे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, लेकिन 4 सालों तक वो टस से मस नहीं हुई। वाह, अफेयर भी आप करें, अपनी पत्नी को रास्ता भी आप दें। वो जो हमें रास्ता दे रही थी, हमें ना मंजूर था इंस्पेक्टर साहब, हमें प्यार हो गया था निशा से। गीता ये जानती थी और वो ये भी जानती थी कि हम उससे प्यार नहीं करते थे, फिर भी वो हमें और निशा को तकलीफ देने के लिए, सजा देने के लिए डाइवोर्स देने से इनकार कर रही थी। 3 जिंदगियों को नरक बना दिया था उसने। ये कहां का इंसाफ इंस्पेक्टर साहब? चूंकि आपकी किसी से शादी हो गई है, आप जिंदगी भर उस रिश्ते को गले में पत्थर की तरह बांधकर जियो, ना तैरो ना डूबो, बस पड़े रहो। तो इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए तुमने गीता को ही मुक्ति दे दी? हमने मरवाया इंस्पेक्टर साहब गीता को, किराए के हथियारों को पैसे देकर मरवाया, हमने खून करवाया अपनी पत्नी गीता को। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया इंस्पेक्टर साहब? क्यों? क्योंकि वो 4 साल तक हर रोज पल पल हमें मार रही थी और निशा को भी। गीता और उसके घर वाले ये मानते थे कि चुप हो जाने से, किसी को धमका देने भर से
सब कुछ अपने आप पहले जैसा हो जाता है। अरे कैसे हो जाता है सब कुछ अपने आप पहले जैसा? ये कोई अनसुना तो है नहीं कि किसी आदमी का औरत का अफेयर हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सुधरा ना हो। अरे नहीं सुधरना बुधरना है इंस्पेक्टर साहब, पूरी दुनिया हम दोनों के बीच में मानो एक मैरिज काउंसलर जैसी हो गई थी, जबकि हमें इस रिश्ते को सुधारने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमारी तरफ से रिश्ता था ही नहीं। हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ निशा थी। हाँ, हमें एक गलती को सुधारना था और वो गलती थी हमारी गीता के साथ शादी, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। सरासर गलत। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अपने अंदर के स्वार्थ और कठोरता के राक्षस को कभी पहचाना ही नहीं। अरे सुधरना तो दूर की बात, तुम्हें हत्या जैसा कठोर जुर्म इतना सहज और सरल लगने लगा जैसे वो रोजमर्रा की बात। वो हमें छोड़ नहीं रही थी इंस्पेक्टर साहब। तो क्या उसकी हत्या करके तुम उससे छूट गए? तुम दो दो रिश्तों की कैद से निकलकर कानून की कैद में आ गए हो पंकज। और सर अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो। अगर तुमने अपने मासूम बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा होता ना, तो इस तरह अपनी जिंदगी को सुधारने की कभी नहीं सोचते। राजन, इनका स्टेटमेंट लेकर इन्हें कस्टडी में ले लो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हम हमारे बेटे से एक बार मिल सकते हैं? हम उसको यहाँ बुलवा ले रहे हैं। नहीं प्लीज, यहाँ नहीं। क्यों? तुम नहीं चाहते तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ पर देखे? चलो, मैंने अगर इसकी मंजूरी दे भी दी, क्या होगा उससे? इस दुनिया में कुछ नहीं छिपता है पंकज। एक ना एक दिन तुम्हारे बेटे को यह पता चल ही जाएगा कि उसके पिता ने ही उसकी माँ की हत्या करवाई है। जरा सोचो पंकज, तुमने क्या कर दिया है अपने बेटे के भविष्य के साथ, उसकी जिंदगी के साथ। बाहर मतलब कहाँ गए हैं? बेटा बाहर मतलब किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। पापा बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं। बेटा इस बार जाना पड़ा उन्हें। हाँ उन्हें फोन करो। फोन बेटा वो फोन लेकर नहीं गए। आप दूध पी लो। नहीं पापा, हमेशा फोन लेकर ही जाते हैं। क्या वो आपको छुपा रहे हो क्या हमसे? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्यों? मुझे पापा के पास जाना है। अम्मा अब सोचते हैं तो लगता है कि हमें गीता दीदी को और समझाना चाहिए था, उन्हें पंकज को छोड़ देना चाहिए था। निशा को गीता की देखभाल करने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। क्या पता अम्मा, निशा की जगह पंकज को किसी और लड़की से खो जाता। इस सबसे तो बस एक ही बात निकल के आती, जब किसी जोड़े के बीच प्यार खत्म हो जाए और उस प्यार को जिंदा करने की हर कोशिश के बावजूद वो जिंदा ना हो, तो ऐसे रिश्ते को दफना देना ही बेहतर है। लाश के साथ जिंदगी बिताएंगे तो सड़न तो होगी। दोनों के दोनों जवान थे, पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी थी उनके सामने। कुछ दिनों में पुराने घाव भर जाते और नए सिरे से नई जिंदगी शुरू होती। कम से कम उन तीनों की जिंदगियां तो बर्बाद नहीं होती। दरअसल चौथा अटेम्प्ट भी नाकामयाब रहा। हाँ यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गीता की निर्दयी हत्या हो गई, पर हत्या की नींव पर एक रिश्ते की इमारत बांधने का ख्याल अपने आप में नाकामयाब साबित हुआ। ऐसे रिश्ते में टिके रहने का मतलब ही क्या बनता है, जहां अगला घुटन के मारे मर रहा है और सामने वाले को मार डालने का षड्यंत्र रच रहा है। ऐसी शादी से चिपके रहने का क्या मतलब, जब दोनों को उस रिश्ते में से ना तो खुशी मिल रही है और ना ही उस रिश्ते का कोई भविष्य नजर आ रहा है। अगर हम नैतिकता और भावुकता के परे जाकर सोचें, तो इंसान का मानव अधिकार सबसे ज्यादा मायने रखता है। पंकज और निशा ने जो किया वो भला बुरा, सुंदर कुरूप, सही गलत, जैसा भी था, लेकिन उन दोनों को अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ जीने का अधिकार था। हम किसी भी सूरत में पंकज और निशा के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं कर रहे हैं और ना ही उनके फैसलों की हिमायत कर रहे हैं। हमारे लिए इस केस में सबसे बड़ा मानव अधिकार का उल्लंघन गीता का हुआ, क्योंकि उससे उसकी जिंदगी छीन ली गई। पति की बेवफाई और एक बहन द्वारा पीठ में छुरा सहन करना आसान नहीं था गीता के लिए, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस केस में एक बात बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आती है, और वो ये है कि गीता को हिम्मत करके अपनी जिंदगी पर गिरे इस भावनाओं के कहर को पहचान लेना चाहिए था। उसके सामने उसकी अपनी, अपने बच्चे की जिंदगी थी, लेकिन एक टूटी शादी को, एक झूठ को जीने का क्या मतलब था? बुरा इस बात का भी लगता है कि तीन नाकामयाब मर्डर अटेम्प्ट्स के दौरान
काश एक बार तो गीता को इशारा मिलता, हिंट मिलती कि कोई उसके खून का प्यासा हो चुका है, तो शायद बात यहां तक ना आ पहुंचती। पंकज, निशा और चारों अपराधियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए बुक किया गया है। मुकदमा शुरू हुआ और कुछ साल पहले पटना हाईकोर्ट ने पंकज, निशा और चारों किराए के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में शुक्रवार रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।